नमस्कार दोस्तों, गेट ICTL के फ्री ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। एमएस वर्ड की आज की हमारी इस क्लास में हम कुछ टेबल्स बनाएंगे प्रैक्टिकली, ठीक है। मैं आपको कुछ सैंपल टेबल दिखाता हूँ और आप टेबल टूल्स की मदद से और इंसर्ट टेबल से आप किस तरीके से वो टेबल बना सकते हैं जल्दी से, वो हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ टेबल्स हैं, ये एक सिंपल फॉर्मेट है, आप सीख चुके हैं टेबल में मर्ज करना, कॉलम्स को इंसर्ट करना, उन सब का यूज़ करते हुए इन टेबल्स को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए टेबल्स, ठीक है, इस तरह की टेबल्स आप बना सकते हैं, ठीक। तो अपन वन बाय वन एक एक टेबल बनाते हैं। मान लीजिए ये टेबल बनानी है आपको, तो इस टेबल में आपको सबसे पहले देखना है कि कॉलम्स कितने हैं, ठीक। कॉलम्स अपने पास हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कॉलम, ठीक है। 9 कॉलम्स हैं और लाइंस तो अपने आप आती रहेंगी, आप एक बार के लिए मान लेते हैं 20 लाइंस हैं, ठीक है। एक नया डॉक्यूमेंट खोल लें हम, कंट्रोल एन, तो आप इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में टेबल पे क्लिक करो, इंसर्ट टेबल पे क्लिक कर दो। कितने कॉलम थे? 9। लाइनें कितनी है? 20, ठीक है। और ठीक है, ओके पे क्लिक कर दो और तो ये आपके पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये टेबल है अपने, ये टेबल है हमारे पास, ठीक। अब हमें करना क्या है, देखिए आपको ये बात के सारे कॉलम्स यहाँ मर्ज करने हैं फर्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। तो अपन आते हैं यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ, उससे पहले मर्ज करने से पहले अपन एक बार विड्थ को सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो विड्थ देख लें, तो हम क्या करेंगे, अपन जो ये कॉलम्स है ना आखिरी के 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम्स की विड्थ को अपन कम कर देते हैं एक बार, कंट्रोल F6। इनको ठीक है, इनकी विड्थ हमने कर दी लेआउट में जाकर, मान लीजिए इतनी, ठीक। फर्स्ट कॉलम की विड्थ आप बढ़ा दो, एक बार मर्ज कर लेते हैं हम इसको, मर्ज सेल, ठीक है, कंट्रोल F6। आपको इन पांचों को मर्ज करना है, मर्ज सेल, कंट्रोल F6, ठीक है। और इन दोनों को मर्ज करना है, मर्ज सेल, कंट्रोल F6, ठीक है। लाइन की हाइट आपको बढ़ानी है थोड़ी सी, ऐसे बढ़ा दो, ठीक है। और यहाँ पे आप टाइपिंग कर दो, स्टडी पीरियड, एनरोलमेंट्स, ऐसे स्टडी पीरियड, इधर आपको टाइप करना है एनरोलमेंट्स, ठीक है। एलोकेशंस, पोस्ट एलोकेशंस, क्लोज आउट, ठीक है। तो इसका आपने कर दिया यहां से कैपिटल ईच वर्ड, ठीक। बढ़ा दो कॉलम की चौड़ाई को एक बार, ठीक है। तो अपन ऐसे कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, तो ये
ये सेंटर में सिलेक्शन बना लो, इसका अलाइनमेंट आप कर दो यहाँ से सेंटर, ये वाला सेंटर ले लो। ठीक, अब करना क्या आपको, टाइम पॉइंट ये टाइप करना है इधर, ठीक है, ये स्टार इसका ऐसा आ जाएगा -T1 नीचे आएगा, तो आप कंट्रोल इक्वल दबा दो, 1 टाइप कर दो। ठीक है, वापस कंट्रोल इक्वल दबा दो ऐसे 0, फिर T1 T2 T3 T1, ठीक है, T2 T, कंट्रोल इक्वल 3, जो कैपिटल रहा ना, आप कंट्रोल जेड करके वापस इसको सही कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट में सेट किया हुआ है ये चीज़ कि ऑटोमेटिक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल रहा है, तो आप कंट्रोल जेड करके ऐसे सही कर सकते हो ETC, ठीक है, ऐसे TX, आ गया समझ में आपको। ठीक है, अब थोड़ा फॉर्मेटिंग कर दें हम। हाँ ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं। आपकी जो ये फर्स्ट लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका कलर हमने यहाँ से कर दिया मान लीजिए ग्रे, ये वाला, ठीक है, और बाकी की जो टेबल है ना उसका कलर आप लाइट ग्रे कर दो। ठीक है, मान लीजिए आपने सिलेक्शन बना दिया और शेडिंग कर दी इसकी हमने लाइट ग्रे, ठीक है, उससे थोड़ा सा अलग। ठीक, यहाँ आपको बॉर्डर सिर्फ जो है ना आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, इनसाइड बॉर्डर नहीं चाहिए। तो करना क्या है अपने को, कितने हैं ये 3, एक बार टाइप कर लें हम, एनरोलमेंट एलिजिबिलिटी स्क्रीन, एनरोलमेंट, ठीक है, एलिजिबिलिटी इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, लिस्ट अदर प्रोसीजर, लिस्ट अदर प्रोसीजर एलोकेशंस, ठीक है, ऐसे आपको बाकी के टाइप करने होंगे। तो अब करना क्या है, ये जो है ना अपने पास, इनको आपको सिलेक्शन बनाना और जो बॉर्डर है इसकी, एक बार बॉर्डर आपको गायब कर देनी है नो बॉर्डर, और एक बार आपको लगा देनी है आउटसाइड बॉर्डर। अब बॉर्डर कलर अपन ने रेड किया हुआ था, इसको ब्लैक कर दो, वापस से यहाँ क्लिक कर दो, आ गया समझ में। ऐसे आपको बाकी के पांचों क्लिक करना है नीचे, 3 2 5, ठीक, यहाँ आपको एक बार नो बॉर्डर लगानी है और एक बार फिर आउटसाइड बॉर्डर लगा देनी है, आ गया समझ में, उसके बाद आप टाइप करते जाएंगे। ठीक है, तो आगे होगा समझ में आपको ये टेबल बनाना। ठीक है, इसमें 4 हैं रोज 5 की जगह, एक रो आप गायब कर दो। ठीक है, ऐसे आपके पास जो नेक्स्ट है उसमें भी 4 रोज हैं, तो ये आपने 4 लाइन ले ली, नो बॉर्डर और आउटसाइड बॉर्डर, ये लाइन आपको डिलीट करनी है। सिलेक्शन बना लो, लेआउट में जाओ, डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट रोज। ठीक है, तो कुछ कुछ वैसी टेबल है करीब करीब, ठीक है, और आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो और कलर आपको चेंज करना कर सकते हो। अब मान लीजिए मुझे ये टेबल बनानी है, ठीक है, तो इस टेबल में देखना पड़ेगा आपको कितने कॉलम है, तो ये देखना है अपने को, 7 कॉलम ये हैं, 7 7 14 21 28 कॉलम तो ये हो गए अपने पास, और ये कितने कॉलम है, 29 30 31 32 कॉलम्स, 32 कॉलम्स आपको लेने हैं। ठीक है, हमने नई फाइल खोली डॉक्यूमेंट जिसमें हम इस फॉर्मेट को डिज़ाइन करेंगे, तो पहले देख लें इसमें कितने कॉलम्स हैं हमारे पास,
इसमें टोटल 32 कॉलम्स हैं और लाइनें आप इंक्रीज कर लेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो मैंने टेबल बना दी, टेबल में गए, इंसर्ट टेबल पे क्लिक किया आपने, 32 कॉलम्स और जो रोज़ हैं आपने 25 रोज़ ले लिए एक बार के लिए, ओके पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब करना क्या है इसमें अपने को, ये सारे ऑटोमेटिक सेट हो गया साइज। इसमें आपको लेआउट में जाना है, ठीक है, और सेल मार्जिन जो है ना एक बार सबका जीरो कर देना है आपको, ठीक है। कैरेक्टर साइज देखो, अब बिल्कुल बारीक साइज के कैरेक्टर्स है मेरे हिसाब से, 6 फॉन्ट साइज होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो अपन भी क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद टेबल में फॉन्ट साइज 6 की कर देंगे, ठीक है। फॉन्ट साइज अपनी होगी यहाँ पर 6 की, ठीक है। अपने पास जो 4 कॉलम्स हैं उनकी आपको विड्थ ज़्यादा लेनी है, तो 4 कॉलम आपने ले लिए, इनकी विड्थ आपने बढ़ा दी, मान लीजिए 0.7 इंच की, ठीक है। और जो बाकी की आपकी कॉलम्स हैं इनकी विड्थ आपने कम कर दी, मान लीजिए 0.17, ठीक है, ऐसे आपने कर दिया। लाइन की आपने जो है हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर दी, 0.15 कर दी, ठीक है। फिर अपने को मर्ज वगैरह का यूज़ करना है, तो मर्ज में अपन क्या करेंगे, पहली लाइन को आपने सिलेक्शन बना दिया, पहली लाइन मर्ज हो गई। अब अपने पास ये मर्ज करना है 7-7 के रो में, तो ये 7-7 में अपन ने यहाँ पर इसको मर्ज कर दिया, तीन तीन छः सात मर्ज, ठीक है, तीन तीन छः सात, ऐसे ये 7 में मर्ज हो गए, ठीक है। और ये अपने पास MTWTFSS टाइप कर देंगे, ये MTWTFSS, ठीक है। आपको ये कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। अभी ये भी मर्ज है आपके, है ना, ये मर्ज है, तो इसको सिलेक्शन बना लो, मर्ज सेल, सिलेक्शन बना लो, मर्ज सेल, सिलेक्शन मर्ज सेल, सिलेक्शन मर्ज सेल, ठीक है। थोड़ा सा इसका अपन जूम इन कर देते हैं, अभी दिख रहा है अपने को, ठीक है। अब ये एरिया ऑब्लिक इक्विपमेंट, यहाँ टाइप करना है अपने को एरिया ऑब्लिक इक्विपमेंट्स, ठीक है। और यहाँ टाइप करना है मेथड, फिर फ्रीक्वेंसी, मेथड फ्रीक्वेंसी, पर्सन रेस्पॉन्सिबल, ठीक है, ऐसे वीक कमेंसिंग, ठीक है, और वही चीज वीक कमेंसिंग। अब ये आपको सेंटर में करना है सब चीज, सिलेक्शन बना लो और अलाइनमेंट इसका हो जाएगा सेंटर, ठीक है। टेबल का अलाइनमेंट सेंटर हो गया, कोई बात नहीं, आपको ये अलाइनमेंट भी सेंटर कर लेना है, ठीक है। और इसमें ये लाइन है एक नीचे, एंटर दबा दो, और ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ठीक है। कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ठीक है। बोल्ड है ये सब चीज़ें, सिलेक्शन बना लो,
होम में जाओ, बी बोल्ड पे क्लिक कर दो या कंट्रोल भी दबा दो, इसको भी आपने सिलेक्शन बनाना है। कंट्रोल बी दबा देना, आ गया समझ में। ऐसे आपको एक क्लीनिंग शेड्यूल आ गया समझ में, क्लीनिंग शेड्यूल और एंटर दबाएंगे हम। इन मेथड और जो भी यहाँ टाइप किया है वो आपको ऐसे एक्स वाई जेड टाइप कर देना है। आ गया समझ में, जो चीज़ बोल्ड हाईलाइटेड है उसको आपको उस हिसाब से बोल्ड कर देनी है। यहाँ लोगो आ जाएगा अपनी कंपनी का, ठीक, इस जगह पे आप लोगो इंसर्ट कर देंगे। तो आ गया समझ में टेबल बनाना ये वाला, ठीक है। तो ऐसे आप बना सकते हैं टेबल, ऐसे मान लीजिए अपने पास ये टेबल है, ये कैसे बनेगी, तो अपने को मर्ज और जो स्प्लिट हो रहा है इस चीज़ का ध्यान रखना है, कहाँ क्या मर्ज हो रहा है, कैसे स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये टेबल आपको ट्राई करनी है खुद से, आ गया समझ में। देख लिया इस टेबल को आपने, इसको आप देखकर खुद बनाएंगे, ठीक है। ऐसे कैसे भी टेबल हो आप टेबल से बना सकते हैं। मान लीजिए एक सिंपल शॉर्ट अपन टेबल की मदद से कोई रिज्यूम टाइप करना है, बायोडाटा बनाना है, ठीक है। तो होता क्या है, इंसर्ट में जाओ आप, टेबल पे क्लिक करो, यहाँ पर तीन कॉलम में आप रिज्यूम बना सकते हो, ठीक। ऐसे आपको सिलेक्शन बनाना है, इसको लेआउट में जाकर मर्ज सेल, ठीक है, या आपको इसको सिलेक्शन बनाकर ऐसे समझ गए सेंटर में कर देना है। टेक्स्ट को आपने टाइप कर दिया यहाँ पर बायोडाटा, ठीक है, नेम टैब दबा दिया, फिर टैब दबा के आपको यहाँ पे कॉलम सेट कर दिया एक्स वाई जेड जो भी नाम देना चाहते हो, फादर्स नेम, ठीक है, टैब दबा दिया ए बी सी, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ टैब दबा दिया आपने, ठीक है, मोबाइल नंबर जो भी आपको टाइप करना है, मोबाइल नंबर मान लीजिए आपने टाइप कर दिया, सिटी, ठीक है, जो भी आपको सिटी यहाँ पे टाइप करनी है वो इस तरीके से अपन टेबल का यूज करते हुए अपना रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन टैब, ऐसे जो भी आपको क्वालिफिकेशन डालनी है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस आ रहा समझ में आपको, जो भी एक्सपीरियंसेस है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। लैंग्वेजेस ठीक है, राइटल स्टेटस प्रोफेशनल स्किल्स हॉबीज एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज ठीक है। तो ये सब हमने टेबल की मदद से बनाया, डेट प्लेस, ठीक है, नेम सिग्नेचर,
दिख रहा है आपको ये, आपको जिसको ज़्यादा फॉर्मेट करना है आप अपने हिसाब से उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। टेबल में बॉर्डर को यहाँ से आप हाइड कर दो, नो बॉर्डर, तो आपका ये रिज्यूम इस तरीके से दिखाई देगा। आ गया समझ में? लाइनों में स्पेस बढ़ा दो ताकि आपको ये डिस्टेंस दिखाई दे, ठीक है, ये इस तरीके से। आ गया समझ में? तो टेबल का एक यूज़ आप ये भी कर सकते हो रिज्यूम बनाने में। और मान लीजिए आपको फॉर्म बनाना है कोई एक सिंपल सा, हमने लिया यहाँ पर ठीक है, ये हमने डाला नेम। अब आपको नेम लेना है, इंसर्ट में जाओ, आप टेबल पे क्लिक करो, इंसर्ट टेबल पे क्लिक करो, नेम आपको ब्लॉक में चाहिए, मान लीजिए 25 ब्लॉक का नेम होगा, एक लाइन में आपको दिखाना है ठीक है। अब यहाँ आते हैं नीचे, यहाँ टाइप कर दिया आपने फादर्स नेम, सेम चीज़ इंसर्ट में जाओ, टेबल पे क्लिक करो, इंसर्ट टेबल, वही चीज़ आपने 25x1 एंटर, ठीक है। नीचे आ गए आप एड्रेस, एड्रेस के लिए आपको वही चीज़ करनी है, इंसर्ट में जाना है, टेबल पे क्लिक कर देना है, 25 ब्लॉक, मान लीजिए आपका एड्रेस 4 लाइंस में आएगा, ऐसे आ गया समझ में आपको ठीक है। तो ऐसे आपको फिर डेट ऑफ बर्थ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ के लिए 8-10 ब्लॉक चाहिए लेकिन छोटे साइज के अंदर। अब देख लो आप इसकी हाइट क्या है, इसकी विड्थ क्या है, 0.14 इंचेस। तो अपन जो आप टेबल बनाएंगे ना उसमें इंसर्ट में जाएंगे हम, टेबल इंसर्ट टेबल, तो अब आपको करना क्या है, 10 कॉलम्स चाहिए इसमें और एक लाइन चाहिए, 1 रो, लेकिन विड्थ आपको करनी है 0.14 इंचेस ठीक है। एंटर, 0.17 कम से कम मांग रहा है ये, 0.17 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ओके पे क्लिक कर दो। तो इसमें आपको ये कितनी साइज है, लेआउट में जाते हैं, कोई बात नहीं ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर इंसर्ट करना है तो मोबाइल नंबर के लिए 10 चाहिए आपको, इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट वही चीज़, 10 कॉलम एक लाइन और 0.17, आ गया समझ में? तो अब आप इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ बनाना है तो आप टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, और अट्रैक्टिव फॉर्म बना सकते हैं। मैंने एक सैम्पल ऐसे ही बना के दिखाया आपको, और अच्छा बेहतरीन फॉर्म आप टेबल की मदद से डिज़ाइन कर सकते हैं। आ गया समझ में आपको ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि टेबल का यूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रिपोर्ट्स वगैरह बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो ठीक है। आगे की क्लासेस में हम सीखेंगे एमएस वर्ड में जो ये इंसर्ट में है ना, इलस्ट्रेशन टैब कमांड ग्रुप, इसकी कमांड्स में पिक्चर इंसर्ट करना, क्लिप आर्ट, शेप्स के बारे में, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स क्या होते हैं, स्क्रीनशॉट क्या होते हैं ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही ख़त्म करेंगे। बाकी तरह मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और ये वीडियो अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करना, और अगर कोई भी क्वेरी आपकी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर ज़रूर से बताना। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।